सिद्धार्थ मीनू की दुनिया। मीनू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे घर पे ही अपने फेस को अच्छे से शेव करती हूँ और आईब्रोज करती हूँ और अपर लिप्स करती हूँ। मैं आपको भी दिखाती जाऊँ, बहुत ईजी सा और आसान तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ। और ये डेली रूटीन के लिए भी अच्छा है और अभी के लिए बहुत ही अच्छा है कि जो अभी फेस्टिवल आ रहा है और आप लोग बाहर नहीं जा सकते अपने खुद की ग्रूमिंग के लिए या अपने फेस पे आईब्रोज करवाने के लिए, अपर लिप्स करवाने के लिए, अपने फेस को अच्छे से क्लीन करने के लिए। मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे करेंगे। उसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं ऐसा रेजर आता है, आप देख सकते हो, ये है टिंकल कंपनी का आता है, उसमें तीन का सेट आता है, अलग अलग तीन कलर आते हैं। और इसका मैं आपको बताती हूँ, मैंने पहले यूज़ किया हुआ है और ये बहुत ही अच्छा है। और आप लोग देख सकते हो कि ये इसका है, वो इसका ब्लेड नहीं है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये ब्लेड बिल्कुल भी नहीं है। और बहुत ही अपने फेस पे लगने की हमें कोई भी ऐसा डर नहीं है कि हमें लग जाएगा अपने फेस पे। और ये बहुत आसान से होता है क्योंकि पहले हम अपने फेस को मैं भी वैक्स से कराती थी, पर हमारी स्किन बहुत लूज हो जाती है फेस वैक्स कराने से, तो हमारी जो एज होती है उससे भी हमारी एज ज़्यादा लगती है उससे। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने घर पर आसानी से कर सकते हो। ऐसे आईब्रो भी अच्छी तरह से होती है और अपर लिप से भी बहुत अच्छी तरह से होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। पहले मैं मेरे जो फेस पे जितने भी है छोटे छोटे बाल है या, तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ, सभी दिखाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो कि मुझे यहाँ पे ऐसे बाल आते हैं, यहाँ पे और मुझे, अगर आपको दिखता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि मुझे यहाँ पे मेरी आईब्रोज भी बढ़ चुके हैं। वैसे तो मेरी आईब्रोज बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा, पर मैं आपको दिखाती हूँ कि जो मेरे एक्स्ट्रा बाल जो रहते हैं यहाँ पे वो मुझे सब निकालने, आप देख सकते हो। इसके सारे रूल्स तो नहीं, बट इससे हमें क्या सावधानियां लेनी है या मीन्स क्या क्या कैसे यूज़ करना है, मैं उसकी इंस्ट्रक्शन में पहले आपको दे देती हूँ। इसे हमें कभी भी, हम जब भी यूज़ करते हैं तभी हमें उसको ऐसे यूज़ करना है, कभी भी हमें ऐसे यूज़ नहीं करना है। हमारा ग्रोथ जैसा है ऐसे ही हमें उसको करना है अच्छी तरह से, और इससे बहुत अच्छा निकलता है। ऐसा नहीं है कि उसके बाद जाने के बाद हमें इतने बहुत बड़े बड़े बाल आते हैं, डार्क आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ आता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है और ये जो मेरे जो पहले आते थे वही आते हैं, उससे एक्स्ट्रा कोई बाल मुझे अभी तक नहीं आया हुआ। और मुझे ये बहुत ही अभी के लिए लॉकडाउन में तो ये बहुत ही अच्छा है कि हम आसानी से ये यूज़ कर सकते हैं। आप लोग भी यूज़ कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। जैसे कि आपको दिखता है कि यहाँ पे मुझे ग्रोथ है, मैं उसको आप देख सकते हो कि यहाँ पे मुझे कैसे सब आ चुका है अच्छे से, और इससे हमारी स्किन बहुत अच्छे से क्लीन होती है गाइस। आप देखिए यहाँ पे दिख रहा है ये सारा, जो लोग पूरा फेस नहीं करते तो उसे जितना आप लोग करते हैं जहां पे आपको बाल आता है आप वहां भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पूरा फेस करना है। मैं ऑलमोस्ट हाफ पोर्शंस करती हूँ ऐसे।
करने के बाद आपका फेस इतना क्लीन लगता है कि जैसे आप बाहर से आप देख सकते हो कि मैंने अभी अभी यहाँ पे ये किया हुआ है, तो भी ये मेरा अपर लिप्स कितना क्लीन है आप देख सकते हो। जैसे कि हम बाहर से ही अपर लिप्स थ्रेड से करवा के आए, ऐसा ही हमारा लुक लगता है। गाइस आप देख सकते हो मेरी स्किन ऑलरेडी कितना क्लीन और इतना स्मूथ होता है इससे, और हमारी स्किन भी बहुत अच्छे से अच्छा फील होता है, हमें देख सकते हो अच्छे से। सो गाइस मैं अभी आपको बताती हूँ कि हमें इससे आईब्रो कैसे करनी, तो हमें क्या यूज करना है, हमें उसका ये टॉप है यहाँ का इतना यूज करो, और हमें ऐसे रखना है कि हमारा ये ही टच हो आगे का थोड़ा, हमें पूरा ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना। और हमें यहाँ पे हमें जो जितना दिखता है एक्स्ट्रा बाल, अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने आईब्रो पेंसिल से पहले तो अपनी शेप क्या जो भी आपका शेप रहता है वहां से आप उसको अच्छे से शेप बना ले आईब्रो पेंसिल से, देन आपको जो भी एक्स्ट्रा बाल दिखते हैं आप इसे आप बिल्कुल से अच्छे से निकाल सकते हैं लाइक दिस। और यहाँ पे जो बाल आते हैं उसको हमें ऐसे ही रखना है। सो गाइज ये बहुत ही अच्छा है अभी के लिए, और मैं तो बहुत अच्छा मानती हूँ कि अभी हमें कभी इमरजेंसी रहता है, हम पार्लर नहीं जाते कोई भी रीजन की वजह से, सो ये बहुत ही बेस्ट है, आप बिल्कुल से बाय कीजिए। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी, सो आप लोग जरूर से यूज कीजिए और मुझे उसका बताना। और बिल्कुल से सेफ है ये, बिल्कुल से आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप लोग मेरा देख सकते हो, आप आगे भी जाके आप मेरा फेस जब से मैंने स्टार्ट किया है वो भी आप देख सकते हो, और अभी का भी आप देख सकते हो कि मैंने मेरा फेस को कैसे अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। सो आप ऐसे ही अपने घर पे अच्छे से आप खुद ही अपना आईब्रो भी कर सकते हैं, अपर लिप्स भी कर सकते हैं, और अपने फेस को अच्छे से शेव भी कर सकते हैं। गाइस तीन का सेट आता है पूरा, टिंकल कंपनी है कोई, मैं उसकी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप ले सकते हैं अमेजोन थ्रू। और ये जो है वो इसका आता है, और ये एक ही मैक्सिमम 12 से 15 टाइम आप ये यूज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ऐसे तीन का सेट आता है, कुछ अराउंड 150 के अंदर आ जाता है ये पूरा तीन का सेट, और ये बहुत ही अच्छा है गाइस, आप जरूर से यूज कीजिए और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये कैसा लगा है। अगर आपको कुछ क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं गाइस। सो देखिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करना ना भूले, और सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन।